18 अगस्त को सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पारन टोला मोहल्ले के पास व्यापारी की एक्टिवा और 3 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने 56,000 नगद, 1 स्कूटी, 70,000 की बरामदगी की। आरोपी पर पास्को एक्ट के तहत मामला पहले से दर्ज है। 18 अगस्त को सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पारन टोला मोहल्ले के पास व्यापारी की एक्टिवा और 3 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने 56,000 नगद, 1 स्कूटी, 70,000 की बरामद की। आरोपी पर पास्को एक्ट के तहत मामला पहले से ही दर्ज है। हम आपको बता दें, सिटी कोतवाली पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई जिसमें व्यापारी के साथ एक्टिवा और उसमें रखे पैसे 3 लाख रुपए की लूट करने वाले मुख्य आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पहले से ही दुष्कर्म के मामले में पास्को एक्ट के तहत पुलिस की नजरों में वांटेड था। पिछले दिनों प्रभाकर साहू, पिता श्यामलाल साहू, उम्र 38 साल, निवासी अशोक नगर नगरिया ने थाने में आकर लूटपाट एवं मारपीट की लिखित आवेदन दिए थे, जिसमें व्यापारी ने बताया था 18 अगस्त को रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर वह अपने घर जा रहा था, अपनी एक्टिवा से जा रहा था। उसके साथ उसका नौकर भी था। जब वह पारन टोला स्कूल के पास पहुंचा, तभी सामने से काले कलर की मोटरसाइकिल द्वारा उसका रास्ता रोका गया। साथ ही मोटरसाइकिल में 2-3 लड़के और आए और उसको और उसके नौकर को धक्का दिया, वो वहीं गिर गए। आरोपी स्कूटी लेकर भाग गए, जिसमें 3 लाख रुपए करीब, साथ ही राष्ट्रीय एवं पान पराग के कूपन करीब 20,000 के थे। फरियादी की सूचना पर थाना सिटी कोतवाली रीवा में अपराध क्रमांक 740/22 धारा 392 तहत ताजदारे हिंद का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कुछ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार के नेतृत्व में घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल शहर के सभी जगह नाकाबंदी कर आरोपी के ठिकाने में दबिश देते हुए पता तलाशी की गई। आरोपियों का पता लगाने हेतु मुखबिर भी लगाए गए। घटना स्थल के आसपास के रास्तों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। आरोपी को सीसीटीवी कैमरे में स्कूटी लेकर भागते देखा गया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान की गई, जिसमें आरोपी दुर्गेश उर्फ चुन्नू प्रजापति को स्कूटी ले जाते देखा गया। दिनांक 18/8 को रात में 10:30 बजे एक प्रभाकर साहू उर्फ लाला व्यापारी हैं, जो कि पान मसाले का थोक का व्यापार करते हैं, धोबिया टंकी में कटरा में उनकी दुकान है और निवास उनका है अशोक नगर पारन टोला के सामने, जो रानी तालाब के सामने। तो वहाँ वो प्रतिदिन अपनी दुकान 10-10:30 बजे बंद करके और घर जाया करते थे। उस दिनांक को भी वो अपने 10:30 बजे दुकान बंद करके जा रहे थे स्कूटी में, और जो दिन भर का बिक्री का पैसा था वो प्रतिदिन अपना स्कूटर की डिग्गी में रख के और ले जाते थे, और पीछे पीछे उनका नौकर जो था दुकान में काम करता था वो प्रतिदिन उनको छोड़ने जाता था घर तक। उस दिन भी वो पीछे पीछे जा रहा था और करीब 10:30 बजे के आसपास हजारी चौराहे के आगे और पारन टोला स्कूल के पहले जैसे पहुँचे हैं तो दो लड़के एक मोटरसाइकिल से सामने से भेड़ा लगा दिए गाड़ी को, तो ये गिर गए। मोटरसाइकिल वाला भी गिर गया, भिड़ा दिए लाके, और ये भी गिर गया। तब तक पीछे से लड़के पहुँचे हैं और ये जब तक उठे तो फिर इनके साथ मारपीट करना चालू कर दिए, धक्का दे के गिरा दिए। और जो उन्हीं में से लड़कों में से दो लड़के स्कूटी इनकी ले करके छीन करके और भाग गए, और बाकी लड़के इधर उधर पैदल भाग गए। इस घटना की रिपोर्ट होने पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाकर और तलाश की गई, पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए लगातार, और मुखबिर जितने थे अपने उन सबको सक्रिय कर दिया गया कि इस तरह की घटना हुई है। पुराने अपराधी जो इस तरह की घटना करते थे उनको ला ला करके पूछताछ की गई, और लेकिन उनमें से पुराने अपराधियों में से किसी की भी लोकेशन वहाँ नहीं पाई जा रही थी। सीसीटीवी प्लस अपना सीसीटीएनएस, इनसे भी साइबर सेल से भी मदद ली गई, लेकिन कोई पता नहीं लग पा रहा था। मुखबिरों के द्वारा ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक के 2-3 दिन पहले से चुन्नू प्रजापति, जो कि शातिर अपराधी है, कई बार चाकूबाजी की घटना किया था और मारपीट की घटना किया था, उसका वो वहाँ पर देखा गया है। जब उसके संबंध में पता किया गया, मुखबिर लगाए गए, क्योंकि उसके पहले उसने एक 376 की भी घटना की थी, मतलब इसी घटना के दौरान ही, तो उस संबंध में तलाश की जा रही थी। जब ये पता लगा तो और तलाश की गई, उसमें फिर चुन्नू को पकड़ा गया,
पूछताछ की गई तो उसने घटना करना स्वीकार किया और कई अपने जो गिरोह बनाया था उन सब के नाम उसके द्वारा बताए गए और लूट की राशि भी उसने अपने बांट लेना सबको तो उसके पास से, और लगातार वो झूठ भी बोलता जा रहा है। फिर भी हिकमत अकली से उससे पूछताछ की गई तो उसमें से अभी 56,000 रुपये उसने बरामद कराए हैं, बाकी शेष बांट देना कुछ अभी और उसके पास है। और जिसके बारे में कभी कहीं बताता है कभी कहीं बताता है, उसकी संबंध में पुलिस रिमांड के लिए आज उसको गिरफ्तार करके भेजा गया है और पुलिस रिमांड लिया जाकर शेष राशि भी जब्त की जाएगी और शेष अपराधी जो नाम आए हैं उनके भी पकड़ धकड़ के लिए पूरे प्रयास टीमें बना दी गई हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं।